हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, हम घटना चक्र 2021 की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम भारतीय राज व्यवस्था है। गाइस, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, राज व्यवस्था एवं शासन है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 20 देखेंगे, जो कि है वरीयता अनुक्रम हो गया। चलिए पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करें। तो दोस्तों, ये है आपका सिलेबस, दोनों साइड आप देखते हुए चलिएगा, और उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 20, यानी कि ये हो गया वरीयता क्रम। चलिए देखेंगे क्या होता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए, तो ये हो गया पूरा चैप्टर, यानी कि एक ही पेज में ख़त्म है ये, ठीक है। इसीलिए बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसे यहाँ कर लेते, फटाफट हो जाएगा। वरीयता अनुक्रम क्या होता है गाइस, देखिए इसमें लिखा है, वरीयता अनुक्रम केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के पद क्रम से संबंधित है कि किसका पद किस क्रम में आता है, कौन से केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, विभिन्न पदाधिकारी, सारे पदाधिकारी को देखें, और किसका पद किस क्रम में आता है, मतलब पहले नंबर पे कौन, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे कौन होता है। तो इसका प्रयोग राजनीतिक जो समारोह होते हैं ना, उसके अवसर पर किया जाता है। सपोज कोई राजनीतिक समारोह है, कुछ ऐसा स्पीच वस्पीच, चलिए अब इन्होंने कहा है कि भैया पहले कौन बैठेगा, उसके बाद कौन बैठेगा, सेकंड लाइन में कौन 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 बैठेगा, थर्ड लाइन में कौन 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 बैठेगा, फोर्थ लाइन में कौन 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 बैठेगा, ये था ये बताना है हमें। तो इसका प्रयोग राजनीतिक समारोह के अवसर पर किया जाता है, और सरकार के दैनिक कार्यों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अब लिखा है 26 जुलाई 1979 में, यानी 80 से 1 कम 1979 को, इससे संबंधित जो है अधिसूचना जारी की गई। वर्तमान में शीर्ष पदों की वरीयता अनुक्रम बता रखा है इसने। इसने कहा सबसे आगे कौन बैठेगा, ये बैठ गए आपके राष्ट्रपति, ठीक है, या ऐसे नहीं कहते, हम कहेंगे कि ये बैठ गए राष्ट्रपति पहले नंबर पे, ठीक है। पहले नंबर पे कौन बैठ गया, प्रेसिडेंट। दूसरे नंबर पे कौन बैठ गया, वाइस प्रेसिडेंट बैठ गए। थर्ड नंबर पे कौन बैठ गया गाइस, आपका प्रधानमंत्री बैठ गए। फोर्थ नंबर पे कौन, राज्यों के राज्यपाल बैठ गए, ठीक है, तो अपने राज्य में, ठीक है। अब इसमें लिखा है भूतपूर्व राष्ट्रपति बैठेंगे फिफ्थ पे, फिफ्थ का पे लिखा है उप प्रधानमंत्री, जो कि संविधान में तो फिलहाल नहीं है, बट हम बढ़ा रहे हैं तो बैठ जाइए, फिफ्थ का पे बैठेंगे, राइट। समझ गए, ऐसे आप कैसे बनाएंगे इसको, बहुत आसान तरीका, यहाँ लिखिए प्रेसिडेंट, उसके नीचे लिखिए वाइस प्रेसिडेंट, उसके नीचे लिखिए प्रधानमंत्री, उसके नीचे लिखिए गवर्नर्स, ठीक है, और उसके नीचे लिखिए भूतपूर्व राष्ट्रपति, कौन, भूतपूर्व प्रेसिडेंट, और दूसरा कौन बैठेगा इनके साथ, उप वाइस प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री, राइट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब इसके बाद जो है सिक्स नंबर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि, और लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि CJI लिखिएगा, और इनके साथ बैठेंगे आपके स्पीकर, ठीक है। इस तरह से बना लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये वाली लाइन हो गई हमारी सिक्स्थ लाइन है, ठीक है, ये फिफ्थ थी, और ये हमारी फोर्थ लाइन है, ये हमारी थर्ड लाइन है, ये हमारी सेकंड लाइन है, और ये हमारी फर्स्ट लाइन है। चलिए सेवेंथ में देखते हैं, तो केंद्र के कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्यसभा लोकसभा के विपक्ष के नेता हो गए, तो यहाँ पे हो गया आपका कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्यसभा प्लस लोकसभा के विपक्ष के नेता हो गए, सेवेंथ नंबर पे बैठ रहे हैं, और क्या है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो गए, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो गए, राज्यों के कौन, प्रधानमंत्री अपने राज्य में, ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री, सॉरी, ठीक है। और फिर सेवन का में कौन बैठेगा, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, एट्थ में कौन, भारत, कैसे आपको रटना पड़ेगा, ये तो मैं से पढ़ सकती हूँ, हालांकि रटना आपको है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस देख लीजिए। तो एट्थ में कौन है आपका, भारत स्थित विदेशों के असाधारण पूर्वाधिकारी राजदूत, यानी ये राजदूत हो गए, राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य से बाहर, मतलब ऐसे राज्यपाल जो अपने राज्य से बाहर राज्यपाल हैं, फिर है राज्यों के मुख्यमंत्री जो अपने राज्यों से बाहर हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नाइन्थ पे कौन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, नाइन का पे कौन है, संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि UPSC के अध्यक्ष, फिर कैग, और आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। फिर टेंथ पे आपका राज्यसभा के उपसभापति, तो गाइस सभापति नहीं उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री, और रक्षा मंत्रालय में रक्षा मामलों के लिए कोई अन्य मंत्री। देन यहाँ इलेवेंथ पे है भारत का महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल अपने संघ शासित क्षेत्र में, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर LG।
फिर लिखा है जनरल और उसके रैंक वाले, क्या सेना अध्यक्ष। ये हो गई कहानी खत्म गाइस, इसे तो रट लेना ठीक है, इसमें मुझे समझाने जैसा तो कुछ है नहीं, अब मैं आप लोग को यहाँ पर रटाने नहीं बैठूंगी ठीक है। इसमें लिखा है निम्नलिखित अधिकारियों पर जो है विचार कीजिए ठीक है, तो इनका क्रम बताना है। तो इसमें लिखा है मंत्री मंडल सचिव, यह है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो वैसे इसमें तो थोड़ा सा सिंपल इससे कैसे हो सकता है कि अभी जो हमने पढ़ा है ना उसे जब आप 4 बार पढ़ेंगे तो आप ये समझ लेंगे कि इन सब में सबसे पहला नाम तो इनका आना चाहिए, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम पहले बिठा चुके हैं ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, ये हो गया ये हो गया। फिर संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य संघ के, यानी कि लाइक आपके कैबिनेट मंत्री है ये सब ठीक है। ठीक है तो आपका ये आ जाएगा। फिर उसके बाद है, फिर गाइस ये आएगा और ये आएगा, सिंपल है। अगर आप इसे 4 बार पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, नहीं याद हो रहा हो तो कोई बात नहीं, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन, अच्छा दूसरा कहाँ लिखा है गाइस, ये दूसरा था, ये तो पहला था। चलिए यहाँ लिखा है भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन बैठता है। आहा तो वैसे इसे आप रट लेना फिर ठीक है, बिकॉज नहीं कर पाएंगे। तो मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन बैठता है, आपका भूतपूर्व राष्ट्रपति बैठता है। ये पूरा चार्ट बना लीजिएगा सिंपल। तो ये फिर वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि कौन कब बैठता है, कहाँ बैठता है। फिर लिखा है भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार जो है पूर्णता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन बैठता है, उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्यों के राज्यपाल, या लोकसभा अध्यक्ष बैठते हैं। तो वैसे इन सब में सबसे पहले कौन बैठता है, इसने ये बोला ठीक है। तो इसमें है राज्यपाल, अब मतलब अपने राज्यों में राज्यपाल। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है, यूपीएससी का अध्यक्ष तो बहुत नीचे आते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या फिर कैग, या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो गाइस आई थिंक इसमें आंसर होगा डी। ओके ई ई कैसे हो गया गाइस। तो यहाँ पे देखिए वरीयता क्रम विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान में जो है मतलब इसने अधिसूचना 26 जुलाई 1979 में जारी की, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो भारत के नियंतक महालेखा परीक्षा एक साथ 9 क में बैठते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ठीक है को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 14वें स्थान पर, जबकि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर क्या है 17वें स्थान पर रखा गया है। तो वैसे इसका आंसर हो गया 9 का वाला ठीक है। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है, गृह सचिव, रक्षा सचिव, तो मंत्रिमंडल सचिव, एंड दिल्ली का उपराज्यपाल। तो वैसे इसमें आंसर है सी। तो भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है, मंत्रिमंडलीय सचिव होता है, और वह क्या मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख है, और वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैसे इसमें कुछ भी याद करने कराने जैसा मुझे समझाने जैसा तो कुछ है नहीं। तो भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है, तो गाइस कौन है भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव, सर्वोच्च बोला इसने। चलिए ऐसे यहाँ पे बस इतनी सी थी और इसमें और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे वीडियो को करते हैं ख़त्म। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है वो किस किस स्टेट से आए हैं। तो देखिए गाइस ये वाला क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ से आया है ठीक है, और ये वाला आपका MPPCS का है, ये वाला BPSC का है, IAS का है। देन हमारा दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, IAS के हैं और RAS के हैं। तो मतलब आपने देखा इसमें यूपी से तो था ही नहीं ठीक है। चलिए गाइस यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के संग, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।